मैम मेरा दो क्वेश्चन है बेसिकली कि एक्चुअली मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ लास्ट वन एंड हाफ ईयर से बट मैं डीप मेडिटेशन में नहीं जा पाता एक क्वेश्चन तो मेरा ये है एंड सेकंड क्वेश्चन मेरा रिगार्डिंग हायर बिंग्स लाइक मैं कि एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा हूँ गवर्नमेंट जॉब की तो मैं हायर बिंग से अपना क्वेरी जानना चाहता हूँ कि मेरी जॉब कब तक लग जाएगी तो वो कैसे कनेक्ट करूँ मैं हायर बिंग हायर बिंग से hmm. हम्म यस yes. ये हायर विंग्स का कॉन्सेप्ट कहाँ से सुना है आपने मैम पीएमसी हिंदी पे ही सुना मैंने बहुत okay. सारे मास्टर्स को सीनियर पैरामेड मास्टर्स को हम्म ये हायर विंग्स कौन है डू यू नो दैट आप जानते हो हाँ मैम एंजेल्स वगैरह जो गाइड करते हैं आपको तो पहली बात तो ये है कि जब हम पहले तो डीप मेडिटेटिव स्टेट में जाना चाहते हैं अगर नहीं जा पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारी एनर्जी कहीं ना कहीं लीक हो रहा है एनर्जी लीक होना मतलब आप क्या हम शुद्ध सात्विक भोजन खा रहे हैं क्या हम हमेशा मिराक्लॉस थॉट में हैं? क्या हम कम से कम इंटरनेट यूज कर रहे हैं क्या हम हमेशा पॉजिटिव टॉक या मिराक्लॉस टॉक कर रहे हैं क्या हम हमेशा एक पॉजिटिव माहौल में रह रहे हैं तो क्या हम अननेसेसरी थॉट कर रहे हैं या जो भी बात जरूरत है उतना ही बात कर रहे हैं तो ये ये इसके प्रति हमें अवेयरनेस लानी पड़ेगी क्या हम सुन रहे हैं क्या हम खा रहे हैं क्या हम देख रहे हैं किस माहौल में हम है ये ये अवेयरनेस लाने के बाद अगर हमें डीप में जाना है तो हमें अननेसेसरी थिंग्स को अपनी लाइफ में कट डाउन करनी पड़ेगी जितना नेसेसरी है उतना ही काम हम अपने लाइफ में करें साथ में शुद्ध सात भोजन खाए नेचर के साथ टाइम स्पेंड करें क्लासिकल इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक स्टडी के लिए खास करके आता ही है तो उस टाइप का म्यूजिक हम सुने जब हम इस तरह का माहौल में प्लांट्स के साथ कनेक्शन बनाएं, अपने पास पिरामिड को रखें अपने जहाँ पे स्टडी एरिया है जहाँ पे आप प्रिपरेशन करने के लिए बैठते हो उस एरिया के एरिया को डी क्लटर करें एक पॉजिटिव माहौल क्रिएट करें और साथ साथ लॉन्ग आवर मेडिटेशन में बैठे एक घंटा दो घंटा तीन घंटा मेडिटेशन में आप बैठें जब तो आप लॉन्ग आर मेडिटेशन में आप बैठेंगे तो ऑटोमेटिकली आप डीप मेडिटेटिव स्टेट में जाते हैं डीप मेडिटेटिव स्टेट में जाने के बाद क्या होता है आपकी इंटुएशन स्ट्रॉन्ग होती है आपकी सिक्स सेंस एक्टिवेट होता है एक नोइंगनेस आपके भीतर बढ़ता है जिससे कि आपको पता चलता है कि आपको किस तरह की डायरेक्शन में जाना है और कहाँ नहीं जाना है आप ही आप ही का हायर सेल्फ हो ये कनेक्शन तभी होता है जब हम डीप मेडिटेटिव स्टेट में जाते हैं लॉन्ग आवर मेडिटेशन करते हैं थोड़ी सी सोल साइंस को समझकर हमें आगे बढ़ना है एंजल हेल्प कर देगा वो हेल्प कर देगा क्यों भगवान ने हमारे भीतर इतना शक्ति दे के हमें भेजा है जो कि उनकी जितना शक्ति हमारे पास है वो शक्ति को लेकिन हमें जानना है पहचानना है एक्टिवेट करना है उस शक्ति को एक्टिवेट करने के लिए लॉन्ग आर मेडिटेशन की आवश्यकता है डोंट डिपेंड राम ने क्या किसी को मांगा था कृष्ण ने क्या किसी को मांगा था बुद्ध ने क्या किसी को मांगा था नहीं वो अपनी अस्तित्व को जानते थे कि हम वो है कौन अगर हम एक्चुअली वो करना चाहते हैं तो बहुत सारे यंगस्टर हमारे पीएमसी हिंदी चैनल में है उस उनका इंटरव्यू वगैरह भी आप देखिए कैसे वो अपनी मिराक्लोस थॉट पावर की वजह से साधना की वजह से कैसे आपने लाइफ में हर चीज़ को अचीव किए हैं अवेयरनेस बढ़ाई है आपने थैंक यू सो मच